मान सम्मान की प्रक्रिया हमारे बीच में पधारे आज के हमारे विशेष प्रसन्न हूँ कि ये हमारे एक भाईचारा का त्यौहार है। तो मैं एक आपने दिनेश सैन जी और जिन्होंने ये संयोग दिशा बताई है, ये हमारे राम कपूर जी आपने स्थानपुर वाले उन्होंने ये प्रथा चलाई हुई है। और आज की डेट में ऐसा हुआ कि उसके साथ दिनेश जी और उनके जितने सहयोग है उन्होंने इसको परम्परा को आगे बढ़ाया। और मैं तो सबको ये बोलता हूँ कि इसको ये हमारा भाईचारा का मेला है और आपस में भाईचारे में रहे और सारे एक दूर मिलजुल कर रहे। देव सदन में होली गायन का ये कार्यक्रम होली संध्या सूत्रधार 22वीं होली संध्या के रूप में मनाया जा रहा है और इसमें
सूत्रधार संगीत अकादमी के प्रशिक्षु और यहाँ नृत्य अकादमी के प्रशिक्षु गायन और नृत्य का यहाँ मंचन करने जा रहे हैं और इसमें हमें यहाँ के समाज सेवियों का, यहाँ की स्थानीय होली प्रेमियों का, कला प्रेमियों का, शासन प्रशासन का और पत्रकार जगत का पूर्ण रूप से हमेशा की तरह सहयोग मिला है। मैं अपने संस्था के तमाम सदस्यों की ओर से सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। होली पर्व ही एक हमारे सनातन धर्म में ऐसा है जो उल्लास और उमंग का एक उत्सव है, जो प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे पर्व है जो हमें मिलाकर रखने की एक सीख देते हैं और जो होली हम आज गा रहे हैं वो बहुत पुरानी हमारे बुजुर्गों द्वारा लिखी गई है। आज हम उन्हीं का ही मार्गदर्शन करके उन्हीं की लिखी हुई होली आज गा रहे हैं जो पारंपरिक है। तो उनमें से एक होली मैं आपको सुनाऊंगी। होली का पर्व ज़्यादा, वैसे हमारे यहाँ राम जी है, कृष्ण जी सभी है, परंतु होली का उमंग ज़्यादा मथुरा वृंदावन में देखा जाता है। तो कृष्ण जी की एक होली मैं सुनाना चाहूँगी। सुन रे सखी मोहे रंग में है